नमस्कार स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में मैं हूँ आपके साथ स्वाति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज प्रदेश भर के प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं लेकिन अब कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ-साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीएम फेस भी थे कमलनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की समीक्षा के लिए आज सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं जिसमें पार्टी की हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से अभी तक इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है छह तारीख को दिल्ली में आईएनडीआईए की बैठक में भाग लेंगे और बाद में वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग से मुलाकात करेंगे इस बैठक के बाद तय किया जाएगा कि कमलनाथ पीसीसी चीफ बने रहना चाहते हैं या नहीं विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आज कमलनाथ ने राहुल गांधी से फोन पर बात की है हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमलनाथ ने कहा कि विरोधी दल के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है उस पर हम डटे रहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं हमें उम्मीद है कि भाजपा जनता के विश्वास को जिम्मेदारी से निभाएगी उन्होंने कहा कि हम हमारी हार पर चिंतन करेंगे कि आखिर हमसे कहां चूक हो गई है और हम जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत पाए बता दें कि भाजपा की जीत के बाद कमलनाथ सीएम शिवराज के आवास पर पहुंचे थे और उन्हें जीत की बधाई भी दी थी